ओके सो हाई गिस गेमिंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं टी एस एम जोनाथन के गेम प्ले के बारे में एनालिसिस करेंगे पूरे का पूरा कि क्या चलता है इस इस बंदे के दिमाग में एंड आई नो बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा बिकॉज एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन की तरह काम नहीं कर रही है फॉर सम वियर्ड रीजन आई हैव नो आइडिया वाई बट uh, uh, इस प्लेयर के बारे में अपन लोग एनालिसिस करेंगे एंड दे वॉज दे वॉज लिस्ट जिसके अंदर की नंबर वन पे था इन ऑल ऑफ़ द इंडियन बेस्ट पबजी मोबाइल प्लेयर्स क्यों था वो भी हम लोग जानेंगे एंड क्या क्या चीज़ें इसको अलग बनाती है बाकी प्लेयर्स से एंड कैसे कैसे ये यू नो एक इंटरनेशनल प्लेयर की कैटेगरी में आता है उन सब चीज़ों पे तो शुरू कर दस पे लेगाज अगर आप लोग नए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए टू फिफ्टी के का अपना गोल यार करवाते रहो लाइक like कीजिए इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड uh, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग और किस प्लेयर की हम पूरी की पूरी चीजें बता सकते हैं हम सब प्लेयर्स को लेकर आएंगे नेशनल इंटरनेशनल उनके गेम प्लेस के बारे में जानने का ट्राई करेंगे एंड हां वीडियो पूरे देखना यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉज इंस्टाग्राम पर भी हम लोग एक अच्छी फैमिली बना रहे हैं सो लेट्स जस्ट फॉर दैट बट सबसे पहले लेट्स एक्चुअली बेगन बस मैं एक चीज बोलना चाहूँगा अगर आपको जॉन्थन के गेम प्लेस जानने और जॉन्थन की गेम सेंस जाननी है सबसे बेस्ट है पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स का चैनल जाओ यहाँ पे पी के मैचेस देखो हाईलाइट देखो एंड सच में सच में सच में आपको बेस्ट गेम प्लेस देखने को मिलेंगे हर एक प्लेयर के मिलेंगे बट जॉनथन स्टैंड आउट फॉर अ रीज़न वो स्टैंड आउट क्यों करते हैं उसका हम लोग एक एनालिसिस करेंगे तो शुरू करते हैं एंड पहले हम लोग जाएंगे पिछले कल वाले मैचेस आए नो कि आप लोगों को पता होगा पिछले कल क्या बढ़िया तरीके के मैचेस गए थे एंड लेट इज एक्चुअली डाइव दो मैचेस हम जाने वाले हैं आई होप दैट रिमेंबर एंड नो इस एक मैच के अंदर ये मैच की इसी फाइट को अप, अपन लोग बात करेंगे इसी फाइट के बारे में अपन लोग बात करेंगे एंड क्या हुई थी ये पूरी की पूरी फाइट इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहली फाइट है ये आप देख सकते हो टेटाइस गैस के प्लेयर्स है शेखु सर सर मॉन्क सर एंड सेल्स के प्लेयर्स है पीछे एक जोनथन अकेला बचौ दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट मैं बोल सकता हूँ पी साउथ एशिया की हिस्ट्री में जो हुई है एंड जो याद रखी जाएगी हमेशा इसमें जॉनथन से कंडर लेता है थ्री वर्सेस थ्री वर्सेस वन में पहले तो जॉनाथन पीछे रहा फाइट में आगे नहीं आया इनक्रेडिबल गेमसि उसको पता है वो अकेला है उसने फाइट को डिले किया सर्कल के अंदर एक अच्छा सेफ स्पॉट लेकर वो बैठा हुआ है ऊपर आप सर्कल देख सकते हैं एक सेफ स्पॉट सर्कल में जॉनथन के पास है बाकी सारे प्लेयर्स आसपास हैं वो अपनी फाइट्स ले रहे हैं पूरी की पूरी एंड उनकी फाइट्स चल रही हैं अब इसके अंदर एल्यूशन सर और मॉन्ग सर आगे जाना चाहते हैं सर को पता है कि सेट्स के प्लेयर यहां पर हैं तो बाकी प्लेयर्स को उन्होंने भी एंगल दे रखा है जॉनसन स्पॉटेड नहीं है किसी भी तरीके स्पॉटेड नहीं है इज आई आई डोंट नो बेस्ट बेस्ट थिंग थिंग हैव टू से दिस वाज द अभी भी स्पॉटेड नहीं है सेट्स के प्लेयर्स अभी भी नहीं जानते कोई भी प्लेयर नहीं जानता है डी e. को लगता है कि यहां पर चार प्लेयर्स सेट्स को लगता है वहां पर चार प्लेयर्स क्योंकि उनको अपने अपने तीन प्लेयर्स पता है लाइव काउंटर सात का है ग्रेनेड्स आए अल्ट्राउंड डाउन होते हैं एक प्लेयर डाउन है ओपनिंग मिल जाते हैं कॉज उनको लगा कि थ्री वी थ्री की फाइट बच चुकी है जो भी ऐसा कॉज उनको नहीं पता है कि वहां पे प्लेयर्स कितने और कैसे अगर उनको पता भी तो भी उनको यह है कि डी -E को पता है कि, लग रहा है कि हम जीत जाएंगे मॉलटॉस करके उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दे एक एरिया में अब डी -E मूव करती है पीछे रिवाइव दिए जा रहे हैं लेकिन आतंकी ज्यादा आगे थे एंड ओवर कमिटमेंट में ओवर पीकिंग में और हर एक चीज के अंदर यहाँ पर आतंकी को मुश्किल आएगी आतंकी डाउन हो जाते हैं ज एन इम्प्रेसिव ब्रेनसेंस बायथन स्टिल नॉट इन्वॉल्विंग इन द फाइट कोई किल भी चोरी नहीं कर रहा है वो अब एक स्कॉड पूरी एलिमिनेट होने वाली है के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड जो प्लेयर्स लोकेशन दे रहे वो फिनिश होंगे अल्ट्राउंड बचे थे आ, अकेला प्लेयर खत्म होता है यहां पर अब आप देखो क्या चीज है डेड आईज के दो प्लेयर्स नॉक पड़े एक अकेले मॉन्क्र बचे अब जॉनथन आप मूवमेंट देखो जॉनथन मूवमेंट करना शुरू कर चुका पहले पीछे से आ रहे हैं Jonathan, आगे की तरफ को धीरे धीरे उनको पता आगे बढ़ा सकता लेकिन आखिरी प्लेयर किया बट इसको गेम पेड करना है, इसको कोई गलती नहीं करनी है दिस इज द बेस्ट गेम जो कि जॉनथन ने दिखाई थी सर, प्लेजोन को अपना किल दे देते होल्स को दिया बट प्लेजोन सेल्स यहां पर फिनिश होते है जॉन्थन ने एक भी हल्का सा भी देखो एक बार जॉनथन ने Yes, को जरा सा भी डैमेज नहीं दिया है एंड जहां जहां मॉकसर की गोलियां गई जॉनथन उस टाइम वहां पर नहीं थे एंड ऐसे करके पूरा का पूरा गेम जॉनथन अपने पास लेकर गया बेस्ट वे बेस्ट जो दिमाग लगता है टी एस एम एन से अच्छा मेरे ख्याल से कोई टीम दिमाग नहीं लगाती अभी गेम खेलने के लिए एंड दिस दिस इज वॉट कम्स इन यू नो गेम सेंस गेम सेंस की अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे आ, आगे जितनी भी अपनी फाइट थी पहला फाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर आ, भी टी एस एम एन के प्लेयर्स से नो डाउट सिनर्जी का यहाँ पर जाता है पूरा चिकन डिनर इफ आई रिमेंबर करेक्टली और टी एन टी एस एम एन के प्लेयर्स पूरे पूरे तैयार थे और पूरी पूरी फाइट्स ले रहे थे यहाँ पर जॉनथन डाउन थे खैर ये सिनर्जी के खाते में पूरा पूरा गेम किया था क्योंकि जॉनथन डाउन थे एंड जॉनथन एक लाइन में आए थे श्राइडर ने नियो डाउन ने को डाउन किया था जॉनथन ने ऑस्टिन को डाउन किया था बट जॉनथन यहाँ पर डाउन हो जाते हैं एंड क्लच गॉड से गेम छिन जाता है एक तरीके से बट स्टिल एंड तक कम्पीट करने के लिए आई गेस टी एस एम एन काफ़ी अच्छा करती थी सेकेंड गेम ये जॉनथन का निकला था थर्ड गेम भी टी एस एम एन का निकला था यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्रेनी चीज़ जो टी एस एम एन ने करी थी यहां पर ही था वो यस आठ आ, टी आठ लोग जिंदा है सोल्ड रिकल्टॉस अकेले हैं ये है आपका पूरा व्यू टीएसएम एंटिटी ऊपर सोल्ड रिकल टॉस पीछे वीएसजी क्रॉलर्स क्रॉल आगे यहां से क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से यहां से टीएसएम एंटिटी को जो आगे दिख रहे हैं पे जाना चाहिए को सोल्ड रिकल पीछे है। लेकिन टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स की एक कॉल रहेगी आप इफ यू विल जस्ट सी और वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छी माइंड कॉल थी वो आठ प्लेयर्स चारों टीएसएम एंटिटी के जिंदा है जोनथन भी जिंदा है अब यहां पर आप देखो क्लच गॉड को ये एंगल पता है क्लच गॉड नोस के वहां पर एक प्लेयर है उन्होंने पहले आते हुए देख लिया बट क्लच गॉड के पास कोई भी ग्रेनेड्स या कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होने वाला आप देखो आगे देख लिया उनको पता है अगर वो ओपन से बिकॉज उस रेट से अगर नीचे जाएंगे रिगल्टॉस उनको मार सकते हैं बिकॉज वो ओपन में होंगे सो ही डिसाइडेड कि पहले पीछे के प्लेयर्स को अभी फिनिश किया जाए ये अभी अभी इन्होंने कुछ उठाया वन सेकेंड जस्ट वॉच वॉच दिस इन्होंने ग्रेनेड्स उठाए हैं ये हल्की सी जो ये चीज़ें निकालनी होती है ये ढूंढना इट्स इट्स काइंड ऑफ सी दिस इज वेयर इनका ब्रेन सेंस काम करता है इनके पास थ्रोएबल्स थे या नहीं मुझे नहीं पता यहाँ पर नीचे आप देखो हल्का सा ग्रेनेड है इफ गाइस कैन सी इट ये हल्का सा ग्रेनेड है जो गिर रखा है एंड ग्रेनेड आकर ये उठाते हैं जाकर पिकअप कर रहे हैं ग्रेनेड दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट जो कि होता है एंड इसी के बाद ये लोग जाए क्वेश्चन को पता है पीछे के प्लेयर को रिच से मारना तो ग्रेनेड जा सकता है क्लच गॉड वही करने जा रहे हैं द ब्रेन सेंस दैट कम्स इन दीज प्लेयर्स आई एम मोर देन अमेज मोर देन शॉक्ड बाय क्या दिमाग लगाते हैं ये लोग ग्रेनेड की जरूरत नहीं पड़ी नवेदरलाइस ऑब्वियसली ऐसे डाउन हो गया अदरवाइज ग्रेनेड भी कर सकते थे वो पर जो दिमाग लगाती है टीम बेहतरीन बोलूँगा बेहतरीन दिमाग लगाती है टीम आज के मैचेस पर चलते हैं अगर आज के मैचेस हैं अपने पास एंड आई एंड नोकॉज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ so, मैचेस पूरे पूरे रेंडर हुए होंगे बट टी एस स्टिल ट्राई कर रही थी काफी अच्छे गेम्स निकालने का अगर उनके निकल सकते तो दिस मैच दिस मैच वॉज अमेजिंग दिस मैच वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं बोलूंगा टू वर्सेज टू वर्सेज वन टी और जी बचे है। को एक कॉल मिलेगा, मिलेगा से मिले शायद कि तुम तुम पीछे जाओ, तुम हील बैटल तक जिंदा रहोगे शैडो और कैश ऑस्टिन दूसरी तरफ बचे एनर्जी के और जी और जॉनथन ठीक है इस पूरी फाइट के अंदर अब शैडो है कैश है आप देख सकते हो ऑस्टिन है शैडो ऊपर कर हल्का सा ग्रेनेड हल्का सा दिक्कत देगा दोनों प्लेयर्स को हेल्थ कम है ग्रेनेड ने चाम अगर जाता है बट थोड़ा सा शॉर्ट रह जाता है तो यू you नो know, नहीं लग पाया शेडो फाइट के लिए तैयार है ऑस्टिन भी रुके हुए सप्लेज ऑफिस ऐसे सर्कल में ये फाइट आगे तक जाएगी एट सर्कल है नाइन सर्कल तक जाने वाली है कोई भी किसी को डाउन नहीं कर रहे हैं जी गॉड ने पैन उतार दिया जी गॉड ने अपना बैक पैक हटा दिया स्कॉल और एके एम जी गॉर्ड के पास है देआर देर डूंग गुड एंड ऑल वेल दो प्लेयर्स, एक प्लेयर दो प्लेयर ऊपर का एरिया फाइनल सर्कल में ऊपर का एरिया लेना काफी सर्कल धीरे धीरे सारे प्लेयर्स मूव कर रहे हैं सर्कल का डैमेज नहीं लेना है यहाँ पर सर्कल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्लोली स्टडली एंड सर्कल पहुंच जाता है ऐसे पॉइंट पर जहां पर नवा सर्कल है दस सेकंड के अंदर नवा सर्कल शुरू हो रहा है आप टाइमर देख सकते हो जॉनथन पीछे तीन फर्स्ट एड्स है एनर्जी ड्रिंक लगा रहे हैं कॉज अगर फाइट भी लेनी हुई तो कहीं ना कहीं फायदा रहे उनको सो इज गोइंग फॉर द एनर्जी ड्रिंक्स ऑस्टिन की तरफ उनका अभी नो क्रॉसर है नजर है हल्की सी बट स्टिल गोइंग आउट देयर मैक्स कैश एक एरिया पर शेडो एक एरिया पर जॉनथन हेल्थ थोड़ी सी अपनी यू you नो know, ताकि ना खाएं स्टिल सर्कल के साथ जूझ रहे हैं बट एक जो ग्रेनेड आता है उनकी वो हेल्थ डाउन कर रहा है प्लेस रोन से पहला प्लेयर जाता है शेडो टू वर्सेज वन वर्सेज वन बचता है क्योंकि इस टाइम रिवाइवल देने का कोई चांस नहीं होता है जॉनथन फिर से देख रहे हैं सारे एरियाज एंड मैक्स कैश की भी हेल्थ कम हुई अब ऑस्टिन सर्कल के बाहर मैक्स कैश सर्कल के अंदर बट स्टिल ट्राई कर रहे हैं एंड ऑस्टिन को खत्म करती हैचपी पच्चीस एच पी तीस एच पी ज्यादा से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जोनाथन तैयार है फाइनल मूवमेंट आपको देखनी होती है फाइट के एंड फाइनल मूवमेंट जोनाथन बहुत अच्छे से देखते हैं एंड देयर इज वन किल एंड

शेयर करना बाकी और भी आते रहेंगे तो मैं और भी एनालिसिस लाता रहूंगा और प्लेयर्स का बताओ एंड वॉचिंग एल सूच नेक्स्ट वीडियो गाइज ब्रोफेस। टेक केयर बाय बाय स्टे सेफ।